हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा। मनु दिल तेल लाइव चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, तो देखिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हेल्दी ड्रिंक। वीडियो बहुत ही छोटा सा है बट बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बारिश के सीज़न में बच्चों का कभी कभी स्टमक पेन होने लगता है क्योंकि पानी की वजह से। तो इस स्टमक पेन के लिए ही मैं आज आपके लिए ये होममेड ड्रिंक लेकर आई हूँ। ये बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है फ्रेंड्स, और बहुत ही आसान और सरल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आज हम ये ड्रिंक बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये हेल्दी ड्रिंक क्या है और ये कैसे बनाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी न्यू और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल मनुज हेल्थ एंड लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए, ये बच्चों के लिए स्पेशल स्टमक पेन रिलीफ होममेड ड्रिंक बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आज हम ये हेल्दी होममेड ड्रिंक बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक ग्लास वाटर। तो देखिए, एक पैन में मैंने डाल दिया एक ग्लास पानी, और एक ग्लास पानी में मैंने एक छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे। एक ग्लास पानी को हम कम से कम आधा ग्लास होने तक बॉईल करेंगे। तो देखिए, एक ग्लास पानी का ये आधा ग्लास पानी हो चुका है, ये अच्छे से उबाल चुका है। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर नमक। अगर आपके पास सेंधा नमक हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैं ये सादा अपने जो कुकिंग में यूज़ करते वही डाल रही हूँ। थोड़ा सा चुटकी भर डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे आधा नींबू। देखिए कितना सरल तरीका है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो ड्रिंक है, आप बच्चों को दिन में तीन बार दे सकते हैं। तो इसी तरह से ये जो है स्टमक पेन रिलीफ के लिए होममेड ड्रिंक है। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है बच्चों को। अगर थोड़ा पेन हो रहा है तो, अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो ही आप उसे मेडिसिन दे सकते हैं। बट ये थोड़ा थोड़ा अगर स्टमक पेन हो रहा है, बच्चों को अक्सर होता है बरसात के सीज़न में, तो आप ये होममेड ड्रिंक दे सकते हैं। इससे बहुत ही फ़ायदा होता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और कितना सिंपल तरीका है, और घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। नींबू अपना रहता है घर में और जीरा भी रहता है। तो आप भी इसे एक बार, अगर स्टमक पेन हो रहा है आपके बच्चों को, तो कर देखिए। और अच्छा लगे मेरा वीडियो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल मनुज हेल्थ एंड लाइफ।